तो भाई लोग, आज तुम्हारा भाई दिवाली गिफ्ट देगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस दिवाली दिए जलाए, किसी की गांड नहीं। अब ऐसा है ना कि दिवाली में इतने सारे फिल्म रिलीज हो गए कि ऑडियंस कंफ्यूज हो गए कि इसकी माँ का देखे कौन सा। वही एक और कंफ्यूजन है कि इसकी माँ का हमारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं कि हमको काजू कतली दे। सब साले झापड़ी के सोन पापड़ी देके जा रहे। बट मेरी दिवाली तो तभी शुरू हो गई जब मैंने देखी दुलकर सलमान की फिल्म लकी भास्कर, जिसका थीम आपको स्कैम 1992 जैसा लगेगा, जहां कॉमन मैन को अमीर बनने के लिए करना पड़ता गोलमाल, फिर बैंक और सिस्टम का सीधा करता झोल जाल। अब वो इसलिए करता है क्योंकि उस पे खर्चे का लोड बढ़ता है। फिर फिल्म के अंदर उसको ये भी रियलाइज होता है कि जब मेहनत की कदर नहीं होती तब सिस्टम की सीधा कत्ल होती। तो फिर पूरे फिल्म के अंदर स्कैम बाजी चालू रहता है। अच्छा, सबसे बड़ा स्कैम तो मेकर्स ये कर डालते कि पैन इंडिया बोल के हिंदी में रिलीज ही नहीं करते। ऊपर से इस फिल्म की कुछ खास हाइप नहीं थी, बट हू केयर्स, मैं तो दुलकर सलमान के लिए 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब देखो, दुलकर को तो सब जानते ही, एन एक्टर फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री करंटली रूलिंग इनटू तेलुगु इंडस्ट्री। वहीं महानति, कल्कि जैसी फिल्मों में छोटी काम करके बड़ी छाप तो उसने रखी थी कि सीतारमम लाने के बाद तो उसने तेलुगु ऑडियंस में तो प्यार की परिभाषा ही चेंज कर दी थी। एंड सच में सीतारमम का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है तेलुगु ऑडियंस पे, वरना उसके पहले तेलुगु ऑडियंस भी लाइक एमटला नवरा मदर बोर्ड एवरवाडू वाओ 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 मजाक कर रहा। अगर मैं लकी भास्कर इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि फील लकी टू वॉच लकी भास्कर बिकॉज़ इट्स अ सुपर हिट पैसा वसूल फिल्म। पूरी फिल्म की स्टोरी को जिस वे में डिटेलिंग के साथ इतना मजबूत ग्रिपिंग बनाया बिना इमोशंस को छोड़े, इनफैक्ट सेकंड हाफ में तो आपके दिमाग में हर्षद मेहता आ जाता है कि आपको नजर आता है कि फिल्म हर्षद मेहता के साथ जुड़ जाती है। एंड भैया, क्लाइमेक्स में जिस तरीके से फिल्म सेटिस्फाई करता है, भैया रशियन फेल है। अच्छा, फिल्म की कहानी का सबसे अच्छा आइडिया आपको ये लगेगा कि जो गलती हर्षद मेहता ने रियल लाइफ में की थी वो इस फिल्म में लकी भास्कर अपना नहीं करता, एंड उस स्मार्टनेस को आप दाद दे दोगे। वही फिल्म की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फिल्म स्टार्ट से ही कनेक्टिंग वे में इतना रियल वाइब दे देता है कि भाई साहब अच्छा है इसमें वो हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में डायलॉग बाजी फोकट का नहीं पेला कि जब मुट्ठी में हो पैसा तो मूठ नहीं मारता इंसान ऐसा वैसा। उल्टा एज एन ऑडियंस आप फिल्म से समझते हो कि पैसा जेब तक हो तो ठीक है, अगर दिमाग में चढ़ जाए तो अपने भी साथ छोड़ जाए। साला मानना पड़ेगा फिल्म का 80s 90s का जो वर्ल्ड बनाए प्लस सिनेमाटोग्राफी तो ऐसा रियल वाइब दे देता है कि आप भी सत्य पे उतर जाओ। वही जीवी प्रकाश कुमार का BGM सॉलिड मूड रखता है फिल्म का, तो वही एडिटर तो भाई साहब स्किल दिखाता है। एनीवेज, परफॉर्मेंस की बात करूं तो दुलकर के लिए ये सब काइंड ऑफ रोल तो एकदम मस्त है, फिर चाहे कुरूप हो, कन्नुम कन्नुम कोडाई लिटल हो या फिर लकी भास्कर हो। फिल्म के अंदर दुलकर सलमान का एक डायलॉग मेरे को बहुत सॉलिड लगा, हालांकि मैंने तेलुगु वर्जन में सुना है कि दिस इज इंडिया, वस्तु कावलंते डब्बू टोकुनाले, रिस्पेक्ट कावलंते डब्बू मानवती मीद कनबडाले। अब इसका मतलब यह कि चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना पड़ता है, इज्जत खरीदने के लिए पैसे का रोब दिखाना पड़ता है। सो ओवरऑल लकी भास्कर तो खासकर तेलुगु में तो चलेगी ही, इट्स अ परफेक्ट दिवाली गिफ्ट, गो फॉर इट। मैं दूंगा 3.5/5 स्टार। तो ओवरऑल अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, लोग दिवाली बना रहे हम वीडियो बना रहे यार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज आई एम नॉट बैड एंड आई एम नॉट रिच ऑल्सो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मिलते अगले वीडियो में, बाय।